देश की राजधानी दिल्ली की सांसें लगातार जहरीली बनी हुई हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो बाहर निकलते ही 25 से 30 सिगरेट्स के बराबर का धुआं एक बार में आप अपने अंदर ले रहे हैं। आज भी जहरीली हवा का प्रकोप जारी है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि प्रदूषण के इस बेहद खतरनाक स्तर को नीचे लाया जाए। आज अक्षरधाम में प्रदूषण का क्या हाल है, जाना हमारी संवाददाता अंजलि ने। स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली की हवा में सांस लेना आज भी मुश्किल है। आज भी दिल्ली की सड़कों पर धुंध छाई हुई है। इस समय हम मौजूद हैं अक्षरधाम मंदिर के ठीक सामने बने फ्लाईओवर पर और आपको पीछे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये मेरे पीछे अक्षरधाम मंदिर मौजूद है, लेकिन ये आपको इस समय तस्वीरों में दिखाई नहीं देगा क्योंकि धुंध ने पूरी तरह से इसको अपनी चपेट में लिया है। धुंध की चादर इसके ऊपर छाई हुई है। सड़कों पर भी इस समय धुंध जो है वो पसरी हुई है और जो गाड़ियां ज़्यादातर आप देख सकते हैं वो अभी भी हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट्स ऑन करके चल रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। हालांकि कल की अपेक्षा बात करें तो कल की अपेक्षा आज स्मॉग की ये जो चादर है ये कम है और विजिबिलिटी कल से बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद जो हवा है उसमें सांस लेना अभी भी मुश्किल हो रहा है और स्मॉग ने उसी तरह से दिल्ली को अपनी चपेट में अभी भी लिया हुआ है जैसे कि पिछले दो दिन से हालात बने हुए थे। हालांकि इसी हालत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कल कई कड़े फैसले भी लिए हैं। ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है दिल्ली में। इसके साथ ही साथ रविवार तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है और साथ ही किसी भी तरह के सिविल कंस्ट्रक्शन को पर रोक लगा दी है सरकार ने। तो सरकार ने देर से ही सही लेकिन तमाम वो फैसले लिए हैं जिससे इस स्मॉग से दिल्ली वालों को निजात मिल पाए। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी अगले दो तीन दिन तक यही हालात बने रह सकते हैं। तो दिल्ली की हवा में जिस तरह से सांस लेना पिछले कुछ दिनों में दिल्ली वालों के लिए मुश्किल हो रहा है, आगे आने वाले कुछ दिनों में भी हालात यही बने हुए दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो आपने तस्वीर देखी, अक्षरधाम दिख भी नहीं रहा है। हमारी संवाददाता अंजलि मास्क लगाकर वहां मौजूद और आप तक जानकारी पहुंचाते हुए और साथ ही स्क्रीन्स पर हम लगातार दिखा रहे हैं प्रदूषण मीटर। दिल्ली में आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहां आप देख सकते हैं। गुरुग्राम में भी, अगर आप दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में रह रहे हैं, 23 सिगरेट्स के बराबर धुआं अगर आप गुरुग्राम की हवा में आज इस वक्त निकलते हैं। आप रहिए बेहद सावधान। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।